पोस्टर विवाद पर राजनीति शुरू हो गई है। जी हां, एक ओर जहां सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन करने वाले 57 प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें लखनऊ के कई चौराहों पर लगा दी थी, तो वहीं दूसरी ओर अब उन्हीं पोस्टर के बराबर में एक और पोस्टर लगा दिया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता आईपी सिंह ने प्रदर्शनकारियों के पोस्टर्स के बराबर में बीजेपी नेताओं के पोस्टर्स लगवा दिए हैं। आईपीसी ने उन बीजेपी नेताओं की तस्वीरें लगाई हैं जिन पर पिछले दिनों बलात्कार के आरोप लगे हैं। इन पोस्टर्स में कुलदीप सिंह सेंगर और स्वामी चिन्मयानंद की तस्वीरें लगी हुई हैं। इन पोस्टर्स पर लिखा है, ये है प्रदेश की बेटियों के आरोपी, इनसे रहे सावधान। सपा नेता ने पोस्टर लगाने के मामले में जानकारी ट्विटर पर देते हुए लिखा कि जब प्रदर्शनकारियों की कोई निष्ठा नहीं है और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी योगी सरकार होर्डिंग्स नहीं हटा रही है तो ये लीजिए। फिर आईपी सिंह ने इसी ट्वीट में आगे लिखा कि लोहिया चौराहे पर मैंने भी कुछ कोर्ट द्वारा नामित अपराधियों का पोस्टर जनहित में जारी कर दिया है, इनसे बेटियां सावधान रहें। सपा नेता ने ये भी लिखा कि मेरे पोस्टर का विरोध वही करेगा जो महिला विरोधी और बलात्कारी का समर्थन कर रहा है। सरकार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का अपमान कर संविधान विरोधी कार्य करेगी तो उसके पहले बीजेपी को अपनी गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। बीजेपी महिला विरोधी है। आपको बता दें कि लखनऊ में पोस्टर विवाद पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश में 19 दिसंबर को हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर योगी सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें लखनऊ के कई चौराहों पर लगा दी थी। इन लोगों से कुल 1,55,00,000 रुपए की वसूली के आदेश भी जारी हुए हैं। इसी मामले में पिछले हफ्ते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को पोस्टर हटाने के आदेश दिए थे। हालांकि योगी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद पोस्टर्स नहीं हटाए और फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में योगी सरकार को फटकार लगाई और हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। न्यूज़ डेस्क।